डियर व्यूअर्स, यकीनन हम लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हम स्केलेटल सिस्टम से लिंक हमारे डिस्कशन थी, और स्केलेटल सिस्टम को हम बिबली एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट आर्थराइटिस। तो बिल्कुल उसी स्केलेटल सिस्टम से लिंक आज एक और कंडीशन की तरफ हम जाएंगे जो कि ऑस्टियो मलेशिया है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि ऑस्टियो मलेशिया होता क्या है। यहाँ पे लफ्ज ऑस्टियो, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, जबकि अगर हम बात करें मलेशिया तो मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि ऑस्टियो मलेशिया क्या है, तो हम उन्हें आसान लफ्जों में डिफाइन करते हुए यही बताएं कि वो कंडीशन जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो, तो सॉफ्ट बोन्स वाले कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऑस्टियो मलेशिया कहेंगे। अब ये जो ऑस्टियो मलेशिया है ये किस वजह से होता है, व्हाट आर द काजेस। बेसिकली हमारे बोन्स की जो डिपोजिशन है, हमारे बोन्स का स्ट्रॉन्ग बनना जो है, वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। द मोस्ट कॉमन इज विटामिन डी। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, अगर हमारे बॉडी में मौजूद कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, या अगर हमारे बॉडी में मौजूद फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो, तो इस विटामिन डी कैल्शियम या फॉस्फेट की डेफिशिएंसी यानी कमी की वजह से क्या हो सकता है, इनकी कमी की वजह से हमारे बोन्स जो है वो क्या होंगे, बोन्स बिकम वीक, बोन्स कमजोर हो जाएंगे, और यही कमजोर बोन्स जो है वो आसानी की तरफ टूट फूट का शिकार होंगे। क्यों? क्योंकि ये बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड दीज सॉफ्ट बोन्स कैन इजिली बी फ्रैक्चर्ड, ये बासानी जो है वो टूटने की तरफ जा सकते हैं। तो अब वो कंडीशन जिसमें हड्डियां कमजोरी की तरफ चले जाए और हड्डियां जो है यानी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाए, तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोमलेशिया का नाम देते हैं। लेकिन ये हड्डियां कमजोर क्यों होंगे, विटामिन डी कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी की वजह से होंगे। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आया ये जो काजेस है ये कौन से रिस्क के ऊपर डिपेंडेंट है, सो द रिस्क विच आर कॉमन, वो रिस्क फैक्टर जो कि कॉमन है जो ऑस्टियो मलेशिया की तरफ यानी कि बासानी आपको लेके जा सकता है। तो उन रिस्क में से सबसे पहला जो रिस्क है दैट इज बेसिकली योर डाइट, खुराक। अगर आप खुराक में विटामिन डी कैल्शियम या फॉस्फेट, जैसे कि मिल्क आप इस्तेमाल नहीं करते, वहां कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी की वजह से आपके हड्डियां जो है वो कमजोर होंगे, और कमजोरी की वजह से आपके हड्डियां बासानी टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है आपके बॉडी के इन्फेक्शन के ऊपर। अगर आपके बॉडी में कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जैसे कि हम अगर बात करें डायरिया है, तो उस डायरिया की वजह से आपके बॉडी में यही न्यूट्रिएंट्स बॉडी से निकलते जा रहे हैं, तो यही इन्फेक्शन या यही इन्फेक्शियस एजेंट आपको कमजोरी की तरफ, वीकनेस की तरफ लेके जा सकता है, और वही वीकनेस आपको ऑस्टियोमलेशिया की तरफ जरूर लेके जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीलिएक डिजीज, सीलिएक डिजीज जो है ये बेसिकली एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, यानी कि जीन्स में म्यूटेशन, जीन्स में तब्दीली की वजह से होता है। अगर किसी को सीलिएक डिजीज हो तो उनको भी ऑस्टियोमलेशिया के चांसेस बासानी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कंडीशन जो है ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल में जो है प्रेगनेंसी की वजह से कॉमन है, फीमेल में डाइट की वजह से कॉमन है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ज़्यादा कॉमन है। तो उनके बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, एंड दे वुड ईजिली मूव टूवर्ड्स ऑस्टियोमलेशिया यानी कि सॉफ्ट बोन्स की तरफ वो जा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अमूमन उन बच्चों में जिनमें माल न्यूट्रिशन हो, तो माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट के अंदर ये ज्यादा कॉमन है, यानी ऑस्टियोमलेशिया या सॉफ्ट बोन्स उनमें देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ सो दीज वर द रिस्क फैक्टर्स, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो ऑस्टियोमलेशिया की तरफ हमें बासानी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो कौन से अलामत है जो ऑस्टियोमलेशिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन हो। ऑस्टियोमलेशिया के अंदर जैसे कि हमने कहा कि बोन्स बिकम वीक, हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, यानी वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, ठीक। इसी के साथ साथ यानी पेशेंट जो है फटिग, थकावट की तरफ जाता है, ठीक। इसी के साथ साथ यानी कि बोन्स जो है वो इजिली फ्रैक्चर होने की तरफ जाते हैं, इजिली फ्रैक्चर,
बोन्स आसानी से टूट फूट की तरफ चले जा सकते हैं, और बॉडी मास या बॉडी वेट जो है वो क्या होगा, बॉडी वेट ऐसे पेशेंट का हमेशा लॉस हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से डिपोजिशन कम होगा, और डिपोजिशन की कमी की वजह से जो है अमूमन क्या हो सकता है, यानी बॉडी मास या बॉडी वेट जो है वो कमी की तरफ जा सकता है। इसी के साथ साथ यानी ऑस्टियोमलेशिया के जो कंडीशन है इसमें स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा होती है, और इसी स्टिफनेस के साथ साथ यानी कि मूवमेंट सीज होना, यानी कि रिड्यूस मोशन, ठीक है, या मूवमेंट जो है वो क्या होना, रिड्यूस होना, रिड्यूस मूवमेंट, ठीक है, बॉडी मूवमेंट जो है या रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम से कम पड़ जाना, इसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे पेशेंट के अंदर रिड्यूस कम हो जाएगा, क्या फ्लेक्सिबिलिटी, लचक लॉस हो जाएगा, तो पेशेंट के अंदर मूवमेंट जो है वो कम से कम होते जाएंगे, ठीक। और बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट में पेनफुल यानी कि बॉडी में पेन होना या पेनफुल कंडीशन होता है, जैसे कि बॉडी में खास तौर पे जो ज्वाइंट्स है या बोन्स है उनमें पेन का होना ये ज़्यादातर देखा जा सकता है। फर्दर मोर अगर हम बात करें अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर हम इन साइन एंड सिम्टम्स का इलाज बर वक्त नहीं करें तो पेशेंट कौन से कॉम्प्लिकेशन, कौन से मुश्किलात की तरफ जा सकता है, तो पेशेंट फ्रैक्चर की तरफ जा सकता है, यानी कि पेशेंट को पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी हो सकते हैं, यानी उनके अंदर जो पोस्चर है, पोजीशन है, वो बेहतर नहीं होगा, वो एबनॉर्मल होने की तरफ जाएगा, तो पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी भी उन्हें हो सकती है, और उनके बोन्स बासानी जो है वो टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि हमने कहा कि बॉडी पेन, तो बॉडी पेन जो है वो हो सकता है जिस्म में दर्द हो सकता है, ठीक, और यही हड्डियाँ इतनी कमजोरी की तरफ जाते हैं कि वो बासानी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इसी के अलावा सीवियर शदीद जो है वो वीकनेस, कमजोरी जो है वो ऐसे पेशेंट में देखी जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट टायर्डनेस की तरफ या फटिक की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, अगर फर्दर मोर हम इस ऐसे पेशेंट का टेस्ट एंड डायग्नोसिस करना चाहे तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सो वी कैन टेस्ट द कंडीशन, हम इस पेशेंट के कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं बाय हैविंग ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में अमूमन हमने यानी कि क्या देखना होगा, हमने उन मिनरल्स को देखना होगा जो कि जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फेट है, अगर ये कम है तो लिहाजा हम समझ सकते हैं कि पेशेंट ऑस्टियोमलेशिया की तरफ है। इसके अलावा हम यानी बोन्स के रेगुलर शेप को देखने के लिए वी कुड मूव टुवर्ड्स एक्सरे, हम एक्सरे की तरफ जाते हैं। अगर फर्दर मोर हमें डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो वी कैन गो टुवर्ड्स द सीटी स्कैन, हम सीटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं, हम एमआरआई की तरफ जा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की तरफ, जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि आया पेशेंट के अंदर जो है ऑस्टियोमलेशिया है, यानी उनके बोन्स एबनॉर्मल है, सॉफ्ट है या नहीं है, ठीक। इसी के साथ साथ अगर हम फर्दर मोर इस पेशेंट के मजीद ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हैं, सो देयर ट्रीटमेंट प्लान वुड बी, इनका जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो कैसे होगा, जिस चीज़ की कमी थी या जो रिस्क थे, उन रिस्क से हम पेशेंट को काजिस और रिस्क से हम पेशेंट को दूरी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक। जैसे कि डाइट आप उस पेशेंट का बेहतर बना दो, अगर पेशेंट का डाइट बेहतर नहीं है तो आप पेशेंट को एपेटाइज़र दो, एपेटाइज़र देने के बाद आप उनके भूख को बढ़ा दो, जैसे कि एपेटाइज़र आपके पास पिज़ो टिफ़िन है, तो पिज़ो टिफ़िन इनका जेनरिक नेम है, ये आपको मोजिगार के नाम से मिल सकता है, यही सिरप फॉर्म है, टैबलेट फॉर्म है, ये आपको ट्राई मेटाबोल के नाम से मिल सकता है, ये आपको ट्रेस ओरेक्स के नाम से आपको मिल सकता है, तो इन शरबत या इन मेडिकेशंस का आप इस्तेमाल करके उनके खुराक को बेहतर बनाएंगे, जब खुराक बेहतर होगा तो आप ऐसे पेशेंट को कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा कराओ। जब ये पेशेंट कैल्शियम और फॉस्फेट और विटामिन डी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो ये ऑस्टियोमलेशिया जैसे कंडीशन से बच पाएगा। इसके अलावा हम ऐसे पेशेंट को टैबलेट या मेडिकेशंस के फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी टैबलेट के फॉर्म में या मेडिकेशंस या के यानी कि सिरप फॉर्म में हम उनको विटामिन डी जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी इनड्रॉप डी के नाम से आता है इंजेक्शंस, ठीक है, या फिर सनी डी के नाम से आते हैं, या फिर कालसान डी के नाम से सिरप यानी कि टैबलेट आते हैं, कालसान डी के नाम से टैबलेट आते हैं, सनी डी के नाम से इंजेक्शंस आते हैं, इनड्रॉप डी के नाम से इंजेक्शंस आते हैं। इसके अलावा जो है
ठीक है, एंड्रॉप डी के नाम से हमें टैबलेट भी मिल सकते हैं, ठीक। तो एंड्रॉप डी जो है या सनी डी जो है या ओसनेट डी, ओसनेट डी के नाम से हमें टैबलेट जो है वो मिल सकते हैं, चूकाल के नाम से हमें टैबलेट मिल सकते हैं, या फिर फर्दर मोर अगर हम इनको सिरप की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास विडालिन जैसे सिरप है जिसमें मौजूद जो है वो विटामिन डी है, और इसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम इससे कवर करा सकते हैं। हम इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मियोरा या फिर इंड्रॉप डी या फिर सनी डी, तो सनी डी हम इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इन्हीं को टैबलेट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। टैबलेट फॉर्म जो है जेड सी डी है, सो यहाँ पे भी विटामिन डी है, ओसनेट डी है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, विटामिन डी है। इसी के साथ साथ रिवो डी है, यहाँ पे भी हमारे पास विटामिन डी है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम जो है ओमसी डी के नाम से आते हैं, यहाँ पे भी कैल्शियम मिनरल्स और विटामिन डी है, तो हम इन्हीं डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। देन वी हैव जेड सी डी थ्री जो है हमारे पास है, इसी तरीके से डी क्योर हमारे पास है, इसी तरीके से जैसे हमने बात की थी सिर्फ विडालिन की, इसी तरीके से हमने इंड्रॉप डी या फिर सनी डी या म्यूरा डी का हमने जिक्र किया था। तो ये वो मेडिकेशंस है जिनके जरिए कालसान डी चूकाल डी, तो इनके जरिए हम क्या करते हैं, हम विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर देते हैं, जिससे पेशेंट इसी ऑस्टियोमलेशिया के कंडीशन से बच जाता है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर मोर स्केलेटल सिस्टम सेलिंग जो कंडीशनिंग होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।